फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और इस बीच इस आग को बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन पटाखा फैक्ट्री थी, अचानक से आग लगी। आग कैसे लगी अभी साफ नहीं हो पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। एक चिंगारी ने एक रौद्र रूप धारण कर लिया और जो पटाखे रखे हुए थे यहाँ पर जल कर खाक हो गए। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुधीर जी, ये बड़ा हादसा हुआ है, लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर अभी? देखिए बिल्कुल, आज सुबह तड़के अचानक ये आग लगी है पटाखा फैक्ट्री के अंदर और विस्फोट काफी ज्यादा भया हुआ है। अगर हम देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से तो आग काफी विकराल रूप ले चुकी है। फिलहाल अगर बात करें तो मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक जनहानि को लेकर जो आशंका है वो केवल जताई जा रही है, अभी तक जनहानि की कोई सूचना प्रशासन और पुलिस को नहीं मिली है, पर लेकिन मौके पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। फिलहाल सबकी प्राथमिकता आग बुझाने को लेकर है क्योंकि आग ने अभी तक काफी विकराल रूप धारण कर लिया है। जी सुधीर जी, क्या लापरवाही यहां पर देखने को मिली है? जो पटाखा फैक्ट्री है यहां पर सुरक्षा के तमाम उपकरण मौजूद रहते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, और क्या कोई जनहानि की अभी तक कोई खबर सामने आई है? देखिए बिल्कुल जाएगा, उसके बाद में निश्चित तौर पर दमकल के कर्मचारी बताएंगे कि इसमें लापरवाही रही या नहीं रही, और अंदर जब आग पर नियंत्रण पाया जाएगा उसके बाद ही जनहानि हुई है या नहीं हुई है इस बात को लेकर जानकारी सामने निकल कर आएगी। लेकिन आग काफी भयावह है और मकरदा रोड पर जो फटाखा फैक्ट्री थी रिहायशी इलाके से थोड़ी दूरी पर थी, लिहाजा इस इलाके के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत का माहौल है। फिलहाल जो दमकल के कर्मचारी है, जो फायर ब्रिगेड का जो हमला है, वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद में जब प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच करेंगे तो उसके बाद में लापरवाही की बात भी जो होगी वो सामने निकल कर आएगी और देखना होगा कि जनहानि को लेकर भी प्रशासन के अधिकारी क्या कहते हैं। पर लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरीके से आग लगी है, सबसे पहली प्राथमिकता आग बुझाने को लेकर और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है वो पूरी मशक्कत के साथ में आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं। जी सुधीर जी, बहुत धन्यवाद आपके तमाम जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये ताज़ा अपडेट सामने आए हैं कि अभी भी आग लगी हुई है, जो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पटाखे रखे हुए थे जो कि जलकर राख हो गए और आग बुझाने की कोशिश लगातार दमकल विभाग के द्वारा की जा रही है। पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ, ब्लास्ट के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है, कई लोगों के अंदर फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। धमाके की वजह से आसपास के मकान गिरे। मगरधा रोड पर है पटाखा फैक्ट्री जिसमें ये भीषण विस्फोटक हुआ। राजू और सोमेश अग्रवाल की फायर वर्क में ये आग लगी है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा की इस फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। वहां एक दो नहीं रुक रुक कर कई धमाके हो रहे हैं जिसकी वजह से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है। तस्वीरें देखिए एक तरफ आप, और साथ ही इस फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। धुएं के गुब्बार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण यह धमाका। तो इसके अलावा 25 झुलसे हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है अब तक। वही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरदा में आग लगने की घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी भी ली है।
बहरहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में भी निर्देश दिए थे, हालांकि और साथ ही धमाके की वजह से आसपास के मकान भी गिर गए हैं। धमाका कितनी जोरदार रहा होगा कि आसपास के मकान तक गिर गए, इस बात का अंदाजा इसी से लग सकता है कि आसपास के मकान भी इस धमाके से गिर गए। तो हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ये भीषण विस्फोट। हरदा के बैरागढ़ में पटाखा फैक्ट्री में ये विस्फोट हुआ है। कई लोगों के अंदर फंसे होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है, साथ ही कई लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका लगातार बनी हुई है। भारी संख्या में यहाँ पर कर्मचारी भी काम कर रहे थे, जिनका रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है। कई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भी पहुंचाया जा चुका है। बहरहाल देखिए आसपास के इलाके में किस तरह से अफरा तफरी मची, क्योंकि यहाँ पर सड़क पर आवाजाही थी लोगों की। ऐसे में जैसे ही ये विस्फोट होता है, जोरदार धमाके की आवाज़ आती है, लोग भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। ब्लास्ट के बाद इलाके में किस तरह से दहशत का माहौल बना, वो तस्वीरें भी हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं। वहीं ब्लास्ट में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है, जबकि कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ब्लास्ट में कई लोगों के घायल होने की खबर और वहां पर एम्बुलेंस की कई गाड़ियां खड़ी हुई है। कई लोगों को एक एक कर अस्पताल ले जाया जा रहा है और अभी भी कई अन्य लोगों के फैक्ट्री में फंसे होने की आशंका लगातार बनी हुई है। पटाखा फैक्ट्री में यह भीषण धमाका हुआ, हालांकि इस घटना का ये सामने आया वीडियो बेहद ही डरावना है, जिसमें धमाके के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही है, धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। और सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अखिलेश का, जो हरदा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभी किस तरह की तस्वीरें, वहां की क्या जानकारी, क्या अपडेट अखिलेश? बताना चाहूंगा कि हरदा में पहली बार, ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश में पहली बार इतना भीषण आता हुआ, जितना बेहद भीषण आता हुआ कि आसमान इतना बड़ा गुब्बारा हुआ है, जिसको जैसी आवाजाही जैसी लोग जो आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो सीधे दौड़ के भाग के घबरा के जो है शहर की ओर रुख कर लिया और वहां से रोते रोते जो है नगर पालिका और सिटी चौथ वाली हॉस्पिटल की ओर उड़ गए हैं। यही नहीं बल्कि अभी भी आग की लपटें उठ रही हैं, वहां से फटाके की अभी भी आवाज आ रही है। आसपास के लगभग 200 घर हैं, 200 घर में अभी भी आग लग चुकी। प्रशासन पूरा मुख्य है। हरदा जिला में अभी वक्त हूँ, हरदा जिला अस्पताल के यहाँ पर मौजूद यहाँ कलेक्टर और एसपी ने मोर्चा संभाल लिया। अभी तक जो है सूत्रों के मुताबिक 5 से 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लगातार जो है एम्बुलेंस जो है हरदा जिला अस्पताल में पहुंच चुकी है। यहाँ पर कितने लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है अभी भी, क्योंकि एक के बाद एक कई धमाके हो रहे हैं लगातार? जी अभी लगभग 100 लोगों 50 से 100 लोगों की फंसने की आशंका है। हादसा इतना भीषण है कि वहां पर अभी पुलिस प्रशासन में अभी लोग भी जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी आपकी नक्शे उठ रही है, वहां से अभी भी पटाखे की आवाज आ रही है। यहाँ तक कि 800 किलोमीटर की दूर से जो है आईटीआई वहां तक कि वहां तक फूट चुके थे, आईटीआई को खाली कर दिया गया, वहां के आसपास के इलाका जो है उसको खाली करा दिया गया है और प्रशासन जो है पूरा मुस्तैद है। अभी भी जो है जिन लोग जिनको जख्मी हुए हैं उनको जिला अस्पताल बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति, उनको फटाफट जिला अस्पताल जो है लेके लाया जा रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए। इस बीच हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर सुधीर भी जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, लगातार एक के बाद एक धमाका, और पहली बार ऐसा देखा गया होगा हरदा में जो इतना भारी और भीषण विस्फोट हुआ है। अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है वहां पर, बेहद दुखद खबर यह सामने आई हरदा से। देखिए बिल्कुल काफ़ी दुखद और विकराल हादसा है और इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से भी संज्ञान लिया गया है। जिस तरीके से हादसे की सूचना मध्य प्रदेश सरकार और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मिली, तो कैबिनेट की बैठक उस समय चल रही थी और कैबिनेट की बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह, उनको घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं और उनके साथ में जो डीजी होमगार्ड हैं अरविंद कुमार
उनको भी रवाना कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर पहुंचेंगे, वहां पर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के जो प्रयास हो सकते हैं उन प्रयासों को अंजाम इन दोनों अधिकारी और मंत्रियों के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा एक इमरजेंसी मीटिंग जो है कैबिनेट की बैठक के बाद में फिलहाल मंत्रालय जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुलाई और अधिकारियों से हरदा की पूरी घटना की जानकारी ली गई है। प्रदेश सरकार के द्वारा भोपाल एम्स, इसके अलावा भोपाल के जो दोनों मेडिकल कॉलेज है, इंदौर और भोपाल के जो दोनों सरकारी मेडिकल कॉलेज है, वहां पर आपातकालीन बिस्तरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं और डॉक्टरों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा दिए गए हैं। अब तक 10108 एम्बुलेंस हरदा के लिए रवाना कर दी गई है। इसके अलावा राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआर हरदा से हरदा विधायक राम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये बहुत दुखद खबर सामने आई हरदा से। अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बेहद ही भयावह तस्वीरें ये सामने आ रही है, अफरा तफरी का वहां पर माहौल बना हुआ है। अब क्या कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं इसको लेकर? जी, बड़ा दुर्भाग्य हमारे हरदा के लिए कि इतनी बड़ी घटना हुई है। इसके लिए हम लोग सब विचलित हैं और इतनी बड़ी घटना हुई है, ये काफी लोग इंजर्ड हुए, अस्पताल में आ रहे हैं और वहाँ आसपास कभी पहुंच नहीं पा रहे ढंग से क्योंकि आसपास विस्फोट फिर चल रहा है छोटा मोटा, इसलिए। पर ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए, हमारे हरदा के लिए। सबसे बेहद दुखद खबर ये है कि अभी भी इधर कई लोग फंसे हुए है और साथ ही वहां पर रेस्क्यू करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक के बाद एक कई धमाके सामने आ रहे हैं। ऐसे में किसकी लापरवाही, किसका जिम्मा इस पे अब थोपा जाएगा? इतनी बड़ी लापरवाही और क्या कुछ कारण रहा भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। चूंकि ये लापरवाही प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ है। हेलो जी। जी, प्रशासन की लापरवाही है। काफी लंबे टाइम से फैक्ट्रियां चल रही हैं और भी फैक्ट्रियां यहाँ आस पास है और घराघर भी वहाँ आसपास घरों में भी बना रहे हैं लोग फटाके। घरों में भी एक एक दो दो किलो बारूद रहता है जिसकी बार बार पहले भी शिकायतें हुई है, इसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही और फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई। पहले भी घटनाएं हुई जहाँ लोग मारे गए हैं उसमें, पर ये फिर भी कार्रवाई नहीं, फिर भी चल रही है। ये प्रशासन की लापरवाही के कारण चल रही है और कार्रवाई होना चाहिए। जो जवाबदार अधिकारी उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। सर, अब इतना बड़ा हादसा हो गया, अब कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कई लोग फंसे हुए हैं, कई लोग इस आग की चपेट में आके झुलस गए हैं। जी जी बिल्कुल, जवाबदारी प्रशासन की होती है क्योंकि ये कंट्रोल करना प्रशासन का होता है, प्रशासन करे। और दो बार पहले भी शिकायत हो चुकी है, दो तीन घटना पहले भी हो चुकी है, इसके बाद भी अगर बंद नहीं करा पा रहा प्रशासन तो दुर्भाग्य है। ये कौन संरक्षण दे रहा था, किसके संरक्षण में हो रही थी, ये सब चीजों पर जांच होना चाहिए और पर कार्रवाई होना चाहिए। सर, आप हरदा के विधायक हैं, आपके द्वारा भी तो आवाज उठानी चाहिए, आप क्या कदम उठाएंगे? मैंने आवाज उठाई है, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आवाज दो बार शिकायत की। हम विपक्ष के विधायक है और अभी 2 महीने पहले विधायक चुनाव गया, उसके पहले दूसरे विधायक थे और सत्ता पक्ष के विधायक थे और वो थे, जवाबदारी उनकी बनती है कि बंद कराना चाहिए था। अभी मैं तो भी 2 महीने हुए मुझे बने हुए। बिल्कुल, लेकिन कई लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती है, उनके लिए क्या कुछ अब आगे? नहीं, हम लोग लगे हैं, मैं भी अस्पताल में हूँ और हम सब लगे हैं यहाँ पे, इन लोगों की वो कर रहे हैं और अभी तो व्यवस्था बनाने में लगे हैं, पर जवाबदारी सरकार को लेना चाहिए और जवाबदार लेके काम करना चाहिए। बिल्कुल, यही कहूंगा अभी तो मैं, और अभी बाद में बताऊंगा, बात करूंगा क्योंकि अभी तो ये। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधा रुख करेंगे, मंत्री जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रद्युमन सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बेहद दुखद खबर यह सामने आई और बेहद ही दर्दनाक यह हादसा, शायद ही हरदा में ऐसा पहली बार हुआ होगा, कई लोग फंसे हुए हैं अभी भी। अब आगे क्या संज्ञान लिया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर? ये दुखद घटना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ जैसे ही कैबिनेट में उन्हें सूचना मिली, हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी को वहाँ पे हरदा भेजा है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं पूरी गंभीरता के साथ, वहाँ अभी जो लोग फंसे हुए हैं उनको तुरंत निकाला जाए। इतनी हमारी सरकार पूरी गंभीरता के साथ इससे काम कर रही है। सर, हरदा के विधायक कह रहे हैं कि कई बार इस तरह के घटनाएं सामने आई हैं और कई बार इस बात की आशंका जताई गई है, इस बारे में शिकायत भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया गया। ये समय राजनीतिक टिकट टिप्पणी का नहीं है, ना मैं इस पर बोलूंगा। हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ कुछ हर उस व्यक्ति के साथ है जिनके साथ ये दुर्घटना घटी है,
जो असमय काल के काल में समा गए हैं या दुर्घटना में घायल हुए हैं, पूरी सरकार उस काम में संवेदनता के साथ काम कर रही है। ऐसे में देखिए, इतना बड़ा हादसा हो गया, कई लोगों की जान जाने की आशंका यहां पर बनी हुई है, एक के बाद एक कई धमाके हो रहे हैं, रेस्क्यू करने में खासा परेशानियां यहां पर उठानी पड़ रही है प्रशासन को, इसका जिम्मा कौन लेगा, क्या कड़े कदम उठाए जा सकते हैं कि आने वाले समय में इतना भीषण विस्फोट फिर कभी ना हो, इस तरह से किसी की जान पर ना बने, कभी ऐसी दुर्घटना कभी ना हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी समुचित व्यवस्था के निर्देश भी देगी और ऐसे लोग जिनकी गलतियां होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार जो है हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ है और उनके साथ न्याय मिला ये काम हमारी सरकार करेगी। ऐसे में अब तक इस बारे में क्यों कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि बार बार इस बारे में निर्देशित भी किया गया कि चाहे फायर से जुड़ी तमाम व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जाए या फिर तमाम वो कदम है जो सरकार द्वारा हमेशा से कहे गए, क्यों आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? आदरणीय ये वक्त में फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस समय तुरंत कार्रवाई, उन लोगों को सहायता मिले जो इस समय पीड़ित हैं, जो फंसे हुए हैं, या जो इलाज मिले, और जो भी अनियमितताएं हुई होंगी हमारी सरकार उन अनियमितताओं के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करेगी, ये भरोसा मैं आपको देता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए, और यहाँ पर मंत्री प्रद्युमन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो लगातार आश्वासन देते हुए नजर आए पीड़ित लोगों को और कहा कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है, जो भी उन्हें मदद चाहिए होगी हर मदद उन तक पहुंचाई जाएगी। बहरहाल ये बेहद दुखद खबर सामने आई जहां पर जोरदार ब्लास्ट हुआ और एक के बाद एक कई धमाके। संवाददाता अखिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अखिलेश अभी क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल वहां का? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो है 56 जो मरीज है जो स्पॉट पे वहां काम करने वाले थे, 100 से 150 लोग कार्य कर रहे थे सुबह से, उनमें से सिविल सर्जन द्वारा अभी बताया गया है News 24 को कि 56 लोग जो है मरीज हरदा जिला अस्पताल आ चुके हैं और 6 लोगों की लगभग मौत हो चुकी है। हमारे साथ जो है एक वरिष्ठ नागरिक जुड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि किस प्रकार जो है हादसा उन्होंने देखा, तो क्या जानकारी है? ये हादसे जो है हमेशा होते रहते हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? पहले भी कई बार हादसे हुए हैं और बार बार कहीं ना कहीं कैजुअलिटी हुई और पूरे शहर में इस वक्त दहशत का माहौल है। शहर के लोग एक साथ अभी जितने भी घायल लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, आगे अब आने वाले समय में प्रशासन क्या कदम उठाता है ये समझना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के जो अवैध व्यापार हो रहा है जिससे पूरा मानवीय जीवन को खतरा पैदा हो रहा है, ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। जी की जो है सिटीजन ने कहा कि इस प्रकार के जो है अवैध जो व्यापार हो रहे हैं उनको बंद होना चाहिए। पहले भी इस प्रकार के हादसे हो चुके हैं लेकिन उनमें छोटी मोटी जो है घटनाएं हुई थी, लेकिन आज जो है पूरे मध्य प्रदेश को हिला देने वाला भीषण हादसा हुआ है, इस पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी जो है नाकामी देखी। ठीक है अखिलेश, आप बने रहिए। इस बीच सुधीर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर जी देखिए, बड़ा लापरवाही यहां पर बरती तो गई है लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इससे पहले भी कई छोटे मोटे धमाके होते रहे हैं, उस बीच क्यों कोई संज्ञान नहीं लिया गया? देखिए निश्चित तौर पर बड़ी गंभीर लापरवाही है और इसमें जिला प्रशासन के अलावा जो स्थानीय स्तर के जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी भी लापरवाही निश्चित तौर पर सामने निकल कर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से हादसा हुआ इसको एक गंभीर चूक कहा जा सकता है, गंभीर लापरवाही कहा जा सकता है, और इसकी जिम्मेदारी जो है प्रदेश सरकार के द्वारा निश्चित तौर पर तय की जानी चाहिए कि आखिर इस पूरे हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अगर स्थानीय निवासी और जनप्रतिनिधि अगर मीडिया के लोग इससे पहले इस पूरी फैक्ट्री के हादसों को लेकर कई बार खबरें प्रकाशित कर चुके हैं या फिर जानकारी प्रशासन को दे चुके हैं तो प्रशासन के द्वारा
आखिर इस पूरे फैक्ट्री पर क्यों अब तक कार्रवाई नहीं की गई और क्या बड़े हादसे का इंतजार किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। आज जब इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें सैकड़ों लोगों के जान जाने की संभावना जताई जा रही है, सैकड़ों लोग घायल हैं और कहना होगा कि 25 किलोमीटर तक के आसपास के अगर इलाके के अंदर इस पूरे धमाके की गूंज सुनाई दे रही है तो निश्चित तौर पर यह मानना चाहिए कि जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सुधीर जी बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर कई ऐसे घर थे जो अवैध तरीके से पटाखा वहां पर बनाया करते थे, ऐसे में ये सुनिश्चित होना चाहिए प्रशासन को भी सरकार को भी कि आखिर अवैध तरीके से कैसे यहाँ पर इस तरह के कार्य किए जा रहे थे, किसकी शह पर ये कार्य किए जा रहे थे और अब तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। हरदा के विधायक जी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कई बार हम शिकायत कर चुके हैं लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया, तो कहाँ पर लापरवाही बरती गई है। देखिए निश्चित तौर पर लापरवाही अधिकारियों के स्तर पर है और जो संचालक है लापरवाही उनकी भी सामने निकल कर आई है। क्या वाकई में फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा के सारे मापदंड जो है अपनाए गए थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जब फायर ऑडिट होगा इस पूरी धमाके के बाद में जो जांच रिपोर्ट आएगी, निश्चित तौर पर उस फायर ऑडिट में देखना होगा कि संचालक के द्वारा कहाँ पर लापरवाही की गई थी और किन कारणों से इस फैक्ट्री के अंदर आग लगी है। अगर फैक्ट्री के आसपास अवैध रूप से पटाखा निर्माण किया जा रहा है तो ये जवाबदेही जिला प्रशासन की बनती है, स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी हैं पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं ये जवाबदेही उनकी बनती है। और निश्चित तौर पर इतने बड़े हादसे के बाद में कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जानी चाहिए क्योंकि ये सैकड़ों लोगों की जान से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर कई प्रयास किए हैं, कैबिनेट की बैठक के दौरान जब मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक के दौरान ही जो प्रदेश सरकार के मंत्री राव उदय प्रताप और डीजी होम अरविंद कुमार को मौके पर तत्काल हेलीकॉप्टर से रवाना किया और जो राहत और बचाव कार्य है उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल इंदौर में एम्स के अलावा जो मेडिकल कॉलेज है उनमें बर्न वार्ड को रिजर्व किया गया है, डॉक्टरों को अलर्ट किया गया है और जिला स्तर पर प्रशासन जो है कलेक्टर दोनों जिले के कलेक्टर जो है उनको भी कहीं ना कहीं जो घायल मरीज आते हैं उनके उपचार में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा इंदौर और भोपाल से भी एम्बुलेंस जो एम्बुलेंस है उनको रवाना किया गया है क्योंकि हादसा काफ़ी बड़ा है और घायलों की संख्या इस पूरे मामले पर बढ़ सकती है, लिहाजा सरकार की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे और घायलों को जल्द से जल्द निकाला जाए। पर लेकिन सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो आग बुझाने को लेकर है। अभी भी जो हमारे संवाददाता हरदा के बता रहे थे कि धमाका काफ़ी बड़ा है और अभी भी धमाकों की आवाज़ फैक्ट्री के अंदर से निकल कर आ रही है, आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है और जो आसपास के तकरीबन 200 घर हैं वो कहीं ना कहीं खतरे की जद में है। लिहाजा प्रशासन की ये पहली प्राथमिकता है कि उन लोगों को जो कम से कम खतरे की जद में उनको बाहर निकाला जाए, घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए और उसके बाद में जो दमकल के कर्मचारी है वो आग पर काबू पाए और उसके बाद में ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जो जांच की जाएगी तो उसमें कौन दोषी पाया जाता है। हालांकि प्रारंभिक स्तर पर जो बात हमारे संवाददाता अभिषेक बता रहे थे, जो बात आर के दोगने बता रहे थे, जो बात मीडिया की रिपोर्ट्स बता रही है लगातार हरदा को लेकर कि प्रशासन को कई बार इस बारे में जानकारी दी गई थी और स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी कि यहाँ पर फैक्ट्री में कहीं ना कहीं लोगों को जान का खतरा और अवैध तरीके से कई घरों के अंदर पटाखों का निर्माण किया जा रहा है। लिहाजा जिन अधिकारियों को जानकारी दी गई क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की, एक सबसे बड़ा सवाल है। और कार्रवाई अगर की गई तो आखिर ये नौबत क्यों आई कि इतना बड़ा हादसा हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर ये माना चाहिए कि जिस तरीके से संवेदनशीलता इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश सरकार ने जताई है, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जताई है, तो इसमें जो भी दोषी अधिकारी पाए जाएंगे, जिनकी भी लापरवाही पाई जाएगी, निश्चित तौर पर उन पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद भी की जानी चाहिए और सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसा हम उम्मीद भी कर सकते हैं। पर लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन अब जाकर अलर्ट पर है। स्थानीय स्तर पर बात करें तो घायलों को निकाला जा रहा है, उपचार के लिए पहुंचाया जा रहा है और वहीं पर न केवल हरदा बल्कि आसपास के पास में जो दो बड़े शहर हैं भोपाल और इंदौर वहां पर भी स्वास्थ्य के अलावा जो जिला प्रशासन उनको भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं जिससे घायलों का तत्काल इलाज हो सके। देखिए ना केवल फैक्ट्री में इतना भीषण विस्फोट हुआ बल्कि आसपास के घर थे वो भी गिर गए, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि कितना भयावह उस समय स्थिति रही होगी। अफरा तफरी का वहां पर माहौल बन गया, कोई समझ पाता उससे पहले ही एक के बाद एक कई धमाके शुरू हो गए वहां पर होना। देखिए निश्चित तौर पर ये धमाके अगर हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में अगर आग विकराल रूप धारण किया है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फैक्ट्री संचालक का इसमें एक बड़ी लापरवाही रहेगी और सुरक्षा के जो मापदंड है उनको अनदेखा किया गया होगा, ये बात आप बिल्कुल मानकर चलिएगा। हालांकि जाँच के बाद में सारी स्थितियाँ पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएंगे कि आखिर लापरवाही किस स्तर पर थी और कहाँ पर जो है
कहाँ पर जो है आखिर सुरक्षा में चूक की गई थी, और जो फायर एडिट है जो बात लगातार नगर पालिका के जो अधिकारी थे क्या उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए थी, ये भी एक माना जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि फायर ऑडिट करने का काम जो है वो स्थानीय स्तर पर नगरीय निकाय नगरीय प्रशासन को होता है, तो हरदा की जो नगर पालिका है क्या वहाँ के अधिकारी लगातार इस फैक्ट्री का मुआयना करते रहते, ये भी एक बड़ा सवाल है। अकेले कलेक्टर SDM तहसीलदार या फिर पुलिस के जो अधिकारी हैं उन पर जवाबदेही तय नहीं की जा सकती, इससे जुड़े हुए संबंधित विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे हम खाद्य आपूर्ति विभाग की बात करें जिसके अंडर में पटाखा लाइसेंस से लेकर तमाम चीज़ें आती होंगी, नगर पालिका की बात करें जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर फायर ऑडिट किया जाए, सुरक्षा के मापदंड फैक्ट्री के अंदर तय मानक में थे जिससे अगर कोई ऐसा हादसा हो तो क्या उससे निपटने के व्यापक इंतजाम किए गए थे, ये ऑडिट जो करने वाले अधिकारी थे क्या उन्होंने अपने काम को सही समय पर पूरा अंजाम दिया, ये ऐसे तमाम बिंदु हैं जो जाँच के बाद में होंगे, निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा इस पूरे मामले पर जाँच कमेटी का गठन भी किया जाएगा और जांच कमेटी का गठन होगा तो उसके बाद में इस तमाम तस्वीरें साफ होंगी, पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों इतने बड़े हादसे का इंतजार किया गया, प्रशासन के अधिकारी बार बार स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भी आखिर आंख बंद कर क्यों बैठे रहे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर जनप्रतिनिधि मीडिया के लोग लगातार खबरें प्रकाशित कर रहे हैं तो क्यों समय समय पर आसपास की अवैध फटाखा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं की गई, और जो बड़ी फटाखा फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री में आग लगी है वहां पर क्यों समय समय पर औचक निरीक्षण या फिर निरीक्षण के साथ में सुरक्षा के मापदंडों की जाँच नहीं की गई, ये भी एक बड़ा सवाल है और इसको निश्चित तौर पर सवाल के साथ में एक बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा जो है हरदा में देखने को मिला है। समय समय पर जो मापदंड है उनकी जांच आखिर क्यों नहीं हुई, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे भुगती गई और इसका अंजाम आज हम सभी देख रहे हैं।